हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में। आज मैं फिर आपके सामने मध्य प्रदेश एक सामान्य परिचय के साथ हाजिर हूँ। मध्य प्रदेश जो कि हृदय प्रदेश, नदियों का मायका और सोयाबीन प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सोयाबीन पूरे इंडिया में इस स्टेट में सबसे ज़्यादा होती है। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की, उसके किस राज्य से सीमा कितनी लगती है और अनुसूचित जातियाँ कितनी हैं, जिले कितने हैं, संभाग कितने हैं, इस बारे में हमने बात की थी। आज हम इसी के सेकंड पार्ट के बारे में बात करेंगे और कुछ सामान्य जानकारी के बारे में जानेंगे जो कि मध्य प्रदेश के संबंध में है। तो आज हम इसका पार्ट सेकंड देखते हैं। और जो भी व्यूअर इस वीडियो को मेरे देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि उस पर बहुत सारी सीरीज़ ऐसी चलाई जा रही हैं जो आपके काम की हो सकती हैं। तो एक बार विजिट करके ज़रूर अपने काम की सीरीज़ को सर्च कीजिएगा। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आज इसका पार्ट टू देखते हैं। तो हम सबसे पहले जो लास्ट टाइम हमने छोड़ा था, हमने लास्ट किया था कि राज्य का जो उच्च न्यायालय है वो जबलपुर में है, यहाँ जबलपुर में इंडिया इसमें सॉरी मध्य प्रदेश में है, और उसकी जो खंडपीठ है वो इंदौर और ग्वालियर में है। अब हम पढ़ते हैं इसकी जनसंख्या के बारे में। तो राज्य की कुल जनसंख्या है 7,26,26,809। पुरुष जनसंख्या है वहीं 3,76,12,306 और महिला जनसंख्या है 3,50,14,503। तो ये डाटा एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टोटल कई बार पूछा जा चुका है कि कुल जनसंख्या कितनी है, तो 7,26,26 आप लोग याद रख सकते हैं इसके लिए। ऐसी ग्रामीण जनसंख्या की अगर हम बात करें तो ग्रामीण जनसंख्या है 5,25,57,404 और ग्रामीण में पुरुष की जनसंख्या है 3,71,00,000, अप्रॉक्सीमेट आप याद कर सकते हैं 3,71,00,000, मैं अप्रॉक्सीमेट बता देती हूँ। और महिला जनसंख्या है 2,54,00,000। इसी तरह शहरी जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं तो ये है 2,00,00,000 के लगभग है शहरी जनसंख्या, और जिसमें शहरी पुरुष जनसंख्या है 1,04,00,000 और शहरी महिला जनसंख्या है 96,06,000 के करीब है महिला जनसंख्या। अब आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की भौगोलिक विशेषताओं की। जो मध्य प्रदेश का ये पूरा भूगोल है, भूभाग है, इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो इस राज्य का सबसे ऊंचा स्थान है धूपगढ़ की पहाड़ी, राज्य का सबसे नीचा स्थान है नर्मदा घाटी, सर्वाधिक गर्म स्थान है खजुराहो, सबसे ठंडा स्थान है शिवपुरी, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली, और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है फॉसिल, जिसे डिंडोरी भी कहा जाता है। सर्वाधिक कुपोषित जिला है श्योरपुर, सबसे कम कुपोषित जिला है भोपाल, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH3 सबसे लंबा है, और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH76, मतलब कि नेशनल हाईवे 76। सर्वाधिक घनत्व वाला जिला है भोपाल, जिसका घनत्व बात करें तो वो है 855 प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे विरल जनघनत्व मतलब कि सबसे कम जो जनघनत्व वाला जिला है वो है डिंडोरी, जिसमें 94 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये जो मैं डाटा सारा बता रही हूँ ये 2011 की जनगणना के अनुसार मैं बता रही हूँ, 2011 में जब जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग डाटा है ये। इसी तरह सर्वाधिक घनी आबादी वाला संभाग जो है वो है इंदौर, 10 संभाग है उसमें से इंदौर सर्वाधिक घनी आबादी वाला संभाग है। सर्वाधिक कम आबादी वाला संभाग है शहडोल। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो जिला है वो दतिया भोपाल दोनों है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, जो भी ऑप्शंस में आएगा उसके हिसाब से आप लगाएंगे दतिया और भोपाल दोनों। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है इंदौर, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जो जिला है वो है हरदा। प्रदेश की सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है वो बालाघाट, जिसका लिंगानुपात है 1021 इसका लिंगानुपात है। प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है भिंड, जिसका लिंगानुपात है 837। सबसे बड़ा वन क्षेत्र है वो जो खंडवा जिले में पाया जाता है, सबसे छोटा जो वन क्षेत्र है वो शाजापुर में पाया जाता है।
राज्य का सर्वाधिक साक्षर जिला है वो जबलपुर है, और जबलपुर में साक्षरता दर है 81.01%। ये आप डाटा याद रखेंगे, जबलपुर में 81.01%। सबसे कम साक्षर जिला है अलीराजपुर, इस साइड पड़ता है अलीराजपुर, और ये यहाँ साक्षरता दर है 36.1%। प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है वो है भील जनजाति। प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है इटारसी। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है इंदौर। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है भोपाल। प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला भंडार क्षेत्र है सुहागपुर। प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी, जिसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर, मतलब कि 13-12 आप याद रख सकते हैं, बहुत ईजी डाटा है ये, 13-12 इसकी सबसे घनी लंबाई। प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील है, तहसील का क्षेत्र है वो इंदौर, और प्रदेश की सबसे छोटी तहसील है वो है अजयगढ़ पन्ना। तो आज के मध्य प्रदेश का समान परिचय यहीं ख़त्म होता है। मैंने बहुत छोटी छोटी क्लिप्स बनाई हैं ताकि आप कहीं भी आते जाते समय इन क्लिप्स को देख सकें और अपना रिवीजन कर सकें इससे। तो होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट में सामान्य ज्ञान परिचय भी काफ़ी कुछ उसमें रह गया है, प्रदेश में प्रथम कौन है इस टाइप में कुछ सामान्य परिचय है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।